अच्छा श्रोता सज्जनों, मैं भोजपुरी लोकगीत बिरहा गायक गौरव यादव आप लोगों के बीच में एक ऐतिहासिक बिरहा भेज रहा हूँ। मुझे आशा न पूर्ण विश्वास है कि आप लोग आशीर्वाद प्यार जरूर देंगे। भूमिका के अंदर भाव है मास्टर। कुदरत की शक्ति उलट कोई न सकता, मूर्खों को कोई न बना सकता ज्ञानी। शेरों की आदत पड़ी मांस खाने की, कोई दाना खरी न पिला सकता पानी। पी लिया जाम उल्फत का जो दिल रुबा, मरते दम तक दूर नहीं होगी खराबी। लाखों कर्ज चाहे सब कुछ बिके, कभी सुरेश लत को न छोड़े शराबी। शराब का बात बताओ लगे कि शराब के नशा में लोग कहां से कहां कह देना है। एक लाइन गजल लगल मास्टर। सल्लल्लाह मुहम्मद का पैगाम है कलमा। सल्लल्लाह में राम है कलमा, लेकिन नशा का बात बतावल गई। दशा को जो बदल दे वो दस्तूर है नशा। जान दे वो नूर है नशा। नशा वो के ना कहल जात की जब पी के ढंगला ढंगला जाके नारी में गिर जात। नशा उसे कहते हैं जो नशे में वतन के लिए बॉर्डर पे जान दे दे। कहानी के हिजा से शुरुआत भेल मास्टर की। कहानी केकर बाप बतावल गई। कर्म से आदमी भगवान तुल बन जाता है। कर्म से आदमी भगवान तुल बन जाता है। गिरे कर्मों से ही हैवान वह कहता है। विदर्भ देश कहानी के कर है यही जैसे गौर करें। विदर्भ देश राजा चित्र से न ज्ञानी हो, सुखी थी सब प्रजा रही सुनै न रानी हो। एक ही लाल कमल उनका जो दुलारा था, एक ही लाल कमल उनका जो दुलारा था। राज परिवार में सभी को बड़ा प्यारा था। yeah!
सोहबत में मधुपान की बीमारी हो गई, छोड़े न मना करने से लाचारी हो गई। बात के तरी समझ ले, विदर्भ देश का राजा चित्रसेन जिगर रानी का नाम सुने ना बतावल गई, बड़ा हंसी खुशी से प्रजा वहां का जिया थमन। राजा चित्रसेन के राजपाठ चलत था, लेकिन एक ही बेटा राजा चित्रसेन का जेका नाम कमल बतलावल गई। कमल धीरे धीरे अपने दोस्तन के साथ रहत रहत कुछ शराब पिए का आदति होगी ना, जब आदति हो गई ना, ये बात राजा चित्रसेन के पता चलल हो, उस समय राज परिवार में के लोग बड़ा दुखी हम, लेकिन राज बड़ा खुशहाली से बा, राज का प्रजा बड़ा सुख भोगत मन। एक लाइन है जा गीत लगल मास्टर, मास्टर साहब हमारे गीत का संकेत करत हम, यह गीत कौनो मेहरारू के अपने मरद के ऊपर शंका हो गई, कहे कि रोज रोज कहाँ जाना। मेहरुआ एक दिन अपने मरद से कहते, सुना जवन तू लीला करत हुआ, तू का करत हुआ हम जाना थे बतावे। मन कर सिलवट पे लोढ़ा से पूछती जवानी रजऊ, मन कर सिलवट पे लोढ़ा से पूछती जवानी रजऊ, कवना सवत संग काटा तारा चानी लगा के मच्छर तानी रजऊ, लेकिन विदर्भ देश का राज खुशहाली में एकदम बा कहल गई। हरषित बा राजा राजा धानी ना कोनो परेशानी मिटाऊ, हरषित बा राजा राजा धानी ना कोनो परेशानी मिटाऊ, डहके घरवे में राजा और रानी ई बात ले बा जानी मिटाऊ, जब ये बात का पता चलल हो कि हमारे एक ही बेटा कमल शराब का सेवन करे लगल, उस समय राजा रानी बड़ा महल के अंदर दुखी थे। एक ही दुलारा बेटा पियला शराब, संगी साथियन के साथे भइले खराब, ज्योतिषी से पूछे भूप ज्ञानी तब कर्म का कहानी मिटाऊ, ज्योतिषी से पूछे भूप ज्ञानी तब कर्म का
आदमी तो डहके घर में राजा यू रानी ई बात ले बात जानी मितऊ रानी बड़ा दुखी थम सोचा थम कि भगवान हमारे कर्म में का लिखले हम का यह लिखले है ना कि एक ही बेटा है वो भी सब अपने संगी साथी के साथ शराब पिए लगल अब हमारी राजपाटी वंश के चलाई राजा के चिंता हो गई एक ज्योतिषी के बोलाई ना बुला के ज्योतिषी बाबा से पूछा थम कि बाबा एक ही हमार बेटा कमल वो भी गलत रास्ता पे चले लागल हमरे राज का होई हमरे राज की के चलाई आगे ज्योतिषी जबा के राजा चित्रसेन का हाथ देखता है तो कहता है कि राजन तुम्हें एक यज्ञ करवाना होगा ज्योतिषी बताता है क्या अरे जैसे रडार चलता हरदम जैसे रडार चलता हरदम हवा से दिशा बताता है वैसे विद्वानों चित्रसेन को बारी बारी समझाता है महाराज बुराई अंत हेतु महाराज बुराई अंत हेतु एक संत को बुलवाना होगा अभी सारिका अमी वारणी धूत्र क्रीड़ा करवाना होगा ज्योतिषी बताइले है कि महाराज अगर बदे एक संत के बुलावे के पड़ी आज जब मैं चार कोठरी में एक कोठरी में सुंदर लड़की के बंद करे के पड़ी दूसरी कोठरी में मांस के पका के धरे के पड़ी तीसरी कोठरी में दो चार ठेजुआ खेले वालन के लिया के बंद करे के पड़ी चौथी कोठरी में लिया के शराब का बोतल धरे के पड़ी और एक संत को आप बुलवाइए तभी आपके इस कारण का निवारण होगा। राजा चित्रसेन राजा है हम उनके कोनो चीज का कमी बा सारी व्यवस्था कह देना और संत के बुलवाओ बदे अपने धामन के भेज देना देश विदेश। एक धावन आया है अपने मुल्क भारत में इसी काशी बाबा भोलेनाथ काशी की नगरी में जहां कबीरदास जी बैठे थे कबीरदास को वह जब पत्र मिला कबीरदास जी सोचे कि मैं चलूंगा देखूंगा कि आखिर कैसा वह लड़का है जो मधुबान कर रहा है और छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। कबीरदास जी जब काशी से चलल हम विदर्भ देश में पहुंचल हम उस समय के बात है एक लाइन गीत है मास्टर तौबा कैसे है नादान घुघरू पायल के लेकिन जब राजा चित्रसेन ज्ञानी ओ ज्योतिषी के बुलाइले हम तो ज्योतिषी राजा चित्रसेन ज्ञानी से कहले हो कि एक संत को आप बुलवाइए तभी आपके कारण का निवारण होगा तो चित्रसेन राजा कहने का मास्टर संत को बुलवाइए दरबार प्यार में धोखा पा का करन लगे इजहार प्यार में धोखा बा
कुठरिया अलगा अलगा भूपज बंद करवल अभी सारी गाय अमी वारणी धूत्र कीड़ा करवले संत जी देखे नहीं न पसार प्यार में धोखा बा जब संत जी आए हम तो राजा चित्रसेन ज्ञानी सारी बात वो संत जी से बताइने और बगल में राजा चित्रसेन के साथ वह ज्योतिषी खड़ा है। संत जी के चारों कोठरी पारी का पारा खोल के देखावल गल देखत हम चारों कोठरी जब देख लेना है तो कहीने का मास्टर रह चुके गलाइन गीत लगल तो है बा कौनो प्रेमिका अपने ससुरे से अपने नैहर के यार बदे तड़पत थे और अपने सहेलिन से बतावत थे का बतावे मास्टर हर ही अरावा ना भेजा ना ही हरवा छछन थोई परा न जाना मोरा रोवत होई है लेकिन जब वो संत के वो ज्योतिषी राजा चित्रसेन खोल के पारी का पारा कोठरी में लगने दिखावे उस समय उस संत करत का हम भाव हमास्टर पहली कोठरी देखेला गुरु ज्ञानिया खड़ी एक कन्हैया जमा भूप से कहे ले बाबा पहली कोठरी देखेला गुरु ज्ञानिया खड़ी के कन्हैया जवान भूप से कहे ले बाबा लुट जाई हमार कहल बाबा लुट जाई त राखल तू सारी कोठारी या में मांस पकल हरिया हो तो जुआ वाल चौथी कोठरिया में सोमरस पनिया चौथी कोठरी आ गई आखिरी वाली चौथी कोठरिया में सोमरस पनिया रखल रहे श्रीमान भूप से कहे ले बाबा
जब संत जी देखने एक सुंदर कन्या खड़ी है, वहां से तुरंत बाहर निकल गई ना। दूसरी कोठरी में दिखावल गए, उनमें मांस पका के हल हल, उनमें से तुरंत बाहर निकल गई ना। तीसरी कोठरी जब दिखावल गई, उनमें कुछ लोग बैठ के जुआ खेलत ना, वहां से भी बाबा निकल गए। लेकिन चौथी कोठरी जब बाबा के संत जी के दिखावल गए, उसमें मदिरा रखा था। जब मदिरा को बाबा देखे तो बाबा मस्त हो गए। तब बाबा मन में विचार करत हम का मास्टर यही जो टेरी का भाव लगल का, प्याला में पीने वाला डूब गया, ओ प्याला में पीने वाला, हो प्याला में पीने वाला डूब गया, मुख में राम अधर पे छलक गई मधुशाला। अरे मधुशाला, अरे मधुशाला, प्याला में पीने वाला डूब गया, मुख पे राम अधर में छलक गई मधुशाला, प्याला में पीने वाला डूब गया। कैसे संत जी विचार कर थम, कोयले देवता विचार भैले तैया, सिंधु मंथन से ले हले निकाल मदिरा, खुदरा किशोर जी महान भैया रहे बलराम, पियत रहे सुबह शाम बेमिसाल मदिरा, गौर करो तत्काल भैरो काशी कोतवा, चढ़े जहां वहां प्रसाद हर हाल मदिरा, घूमे बनी के भिखारी जगह दारू लगी प्यारी, भिन घमी के भिखारी जगह दारू लगी प्यार, भिख मांगी द्वारी द्वारी बनी काल मदिरा, जब उस संत जी देखने कि मदिरा धैल बा, तो सोचा थम कि मदिरा के बजे भगवान लोग राजसन से समुद्र मंथन के होकर निकलने। दूसरी बात कि कृष्ण भगवान भगवान का भाई रहे बलिराम, वो भी मदिरा पियत रहना। इतना ना बाबा भोले बनारस की नगरी काशी कोतवाल को मदिरा चढ़ता है, तो मदिरा पिया कोनो दोष ना हो, संत जी उठा के मदिरा मार लेना। जब मदिरा पी के फूल भैना है, तब कहना का मास्टर पहपड़ के अंदर भाव है। मदिरा पी के मद में भैले चूर साधु बाबा हो, मदिरा पी के मद में भैले चूर साधु बाबा हो, आई अंगूरी का चढ़ना सा भरपूर साधु बाबा हो, जुआ खेले मांस खाया हर साई हो, नगर बधू के संग में बाबा दिहले धर्म गवाई हो, अरे भाई तपस्या जीवन भर के धूर साधु बाबा हो, हाय अंगूरी का चढ़ना सा भरपूर साधु बाबा हो,
लिया। जब ले संत जी उ बाबा शराब ना पीले न तब ले कहत न कि हमार धर्म बिगड़ जाए, लेकिन जैसे ही शराब पी ले ना, शराब पीले के बाद वो जुआ वाले घर में गई ना, जुआ कड़ी के साथ बैठ के जुआ भी खेलने, ओमेन से निकल के गई ना दूसरी कोठरी में, फिर वहाँ मांस पकल धैलल मांस के भी खेना, फिर ओमेन से निकल के गई ना पहली कोठरी में जब मैं एक कन्या बंद कैल रहल, कन्या के साथे भी बाबा सुतने। जब तक शराब ना पी ले ना तब तक उनके सारी बात याद रहल, लेकिन शराब पीला के बाद वो बाबा पूरी का पूरी अपन ज्ञान भूल गई ना, जुआ भी खेलना मांस भी खेना वो कन्या के साथ सुतबो कहना। ते आखिरी में आल्हा के अंदर प्रमाण देवल गई कैसे मास्टर, पनिया भगेला छोड़ के जाल में मछरिया भैया, मेरा बिना बिना होई जाली हो लाचार, ज्योतिषी कहेला खड़ा भूप के समनवा भैया, का सुरूर चूरा कर बुद्धिमनिया भैया, रहिया भटका जल संता बीतवा, पियले ना शराब रहले जबल साधु बाबा भैया, जब ले साधु बाबा शराब के ना पीले है ना तब ले एकदम अपने होशो हवास में रहना, शराब के पीले के बाद उनकर होशो हवास उड़ गई। यही से ज्योतिषी राजा चित्रसेन ज्ञानी से बतैलस कि राजा शराब का यही गुण होता है, शराब पीने के बाद आदमी किसी भी कार्य को करने के लिए तैयार हो जाता है। और बेटा कमल को बुला के कहते हैं कि बेटा कमल यही मेरी आखिरी फैसला ही, यही मेरा आखिरी विचार है कि तुम साधु बाबा को देखे हो अपने आंख से, साधु बाबा शराब पीने के बाद सारी क्रियाओं को किया, तो शराब तुम छोड़ दो बेटा, नहीं तो शराब पीने के बाद तुम्हारी भी यही हाल होगी जो इस बाबा की हाल हुई है। शराब पीने के बाद सबकी यही हालत होती है। वह ज्योतिषी राजा चित्रसेन को अपना आखिरी फैसला बताता है। खड़ी कलाई ने मास्टर कहे ज्योतिषी कमल से बेटा, कहे ज्योतिषी कमल से बेटा अब से सुधरा, तो यही जगह में पाप का धूरी बा मदिरा, अपने बिलाई और मिली नहीं भीख धन धर्मों से जाई, मिली नहीं भीख धन धर्मों से जाई,
आखिरी फैसला वह ज्योतिषी कमल बेटा से कहता है कि बेटा आज से तू शराब पीना छोड़ दे और अपने राजपाट को वंश को आगे बढ़ाने के लिए अपने पिताजी के गद्दी को संभालने के लिए आज से तू यह सब शराब को छोड़ दे, अपने संगी साथियों के साथ जाना बंद कर दे। ज्योतिषी बताता है आखिरी फैसला और कमल शराब पीना छोड़ता है, कसम खा लेता है कि आज से मैं शराब नहीं पीऊंगा। यहीं से कहानी की खत्म होती है। आखिरी में गुरु घराने का परिचय। गुरु बिहारी गुरुपतु गुरु छह बर गीत सीताराम परस्पर सिद्धर गुरु वराधे श्याम गीत कह धार प्याला में पीने वाला डूब गया भैया प्याला में पीने वाला डूब गया गौरव कवि सुरेश का रक्षक डमरू वाला प्याला में पीने वाला डूब गया।